आगामी विधानसभा को चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ धार हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। वहां पर उनका स्वागत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव कुलदीप सिंह बुंदेला, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम के द्वारा किया गया। इसके पश्चात कमलनाथ सभा स्थल पर पहुंचे, वहां पर जनता का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। मंच पर अत्यधिक संख्या में लोग मौजूद थे, मंच पर धक्कम धुक्की भी देखने को मिली। कमलनाथ के आसपास उनके सुरक्षा गार्ड पूरे समय पर मौजूद रहे। मंच पर कांग्रेसी कार्यकर्ता उनसे मिलने को आतुर थे। इस दौरान मंच पर कुलदीप सिंह बुंदेला, बाल मुकुंद सिंह गौतम, जीतू पटवारी, मोहन सिंह बुंदेला व धार जिले के पूर्व कांग्रेसी विधायक मंचासीन थे। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जिले से कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल होने के लिए आए थे। झंडे बैनर लेकर वे पूरे शहर में घूमे। इस सभा में कमलनाथ ने कहा कि सबसे ज्यादा अत्याचार बहनों पर हुआ, इसमें मध्य प्रदेश नंबर 1। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश नंबर 1। किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1। और यह आशीर्वाद लेने घूम रहे हैं। और मोदी जी क्या कहते थे, नौजवानों को कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा। इस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा पर कमलनाथ ने निशाना साधा। वहीं मोदी जी पर भी कमलनाथ ने निशाना साधा। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया पर भी खूब कमलनाथ ने निशाना साधा। वहीं उन्होंने किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, तो जनता पूछ रही मोदी जी और शिवराज आप किस काम के। कमलनाथ ने भ्रष्टाचार पर भी निशाना साधा, कहा भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, सबसे भ्रष्ट मध्य प्रदेश। भ्रष्टाचार की व्यवस्था इन्होंने बनाई है, जैसे इस काम के लिए इतना पैसा, उस काम के लिए इतना पैसा। यह भ्रष्टाचार शुरू होता है गांव से। गरीबी रेखा का नाम में नाम लिखवाना है, ट्रैक्टर है, 10 एकड़ जमीन है, 15,000 दे दो, गरीबी रेखा में नाम जुड़ जाएगा। जमकर भ्रष्टाचार पर निशाना साधा कमलनाथ ने। उन्होंने कहा आज तस्वीर हमारे सामने है, प्रदेश में शासकीय कर्मचारी परेशान है, यह पुलिस वाले भी परेशान है, हर वर्ग परेशान है। हम संविदा की प्रथा को समाप्त करेंगे, हम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। आप सच्चाई समझिए, सच्चाई का साथ दे। आज प्रश्न कमलनाथ के भविष्य का नहीं है, आज प्रश्न मध्य प्रदेश के भविष्य का है, आज प्रश्न इन नौजवानों के भविष्य का है, आज प्रश्न आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आपने कमर कस ली है, इसमें कोई शक नहीं कि 4 महीने में मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। इसके पश्चात कमलनाथ ने धार शहर से विदा ले ली। मैंने अविश्वास प्रस्ताव रखा था, लेकिन शिवराज सिंह जी ने वहीं पर अपना परिचय दे दिया। जो विधानसभा से भागा वो जनता का कभी सगा नहीं हो सकता, ये साबित हो जाएगा इस बार। श्री कमलनाथ हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस तो किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के। जनता तो पूछ रही है कि मोदी जी और शिवराज जी आप किस काम के हैं, ये आज हमें पूछना है इनसे कि ये सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर, मध्य प्रदेश नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, किसानों के आत्महत्या में नंबर 1, और ये आशीर्वाद लेने घूम रहे हैं। और मोदी जी क्या कहते थे नौजवानों को, कहते थे 2 करोड़ नौजवान, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा, हर साल रोजगार मिलेगा 2 करोड़ नौजवानों को। मैं तो कहता हूं मोदी जी जो रिटायर कर गए हैं उनकी जगह भी आप भर्ती नहीं कर रहे, आप 2 करोड़ की बात तो छोड़िए। और तरह तरह के नारे, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, सबसे भ्रष्ट प्रदेश मध्य प्रदेश। भ्रष्टाचार की व्यवस्था इन्होंने बनाई है, जैसे एक किताब बना लेते हैं कि इस काम के लिए इतना पैसा, इस पोस्टिंग के लिए इतना पैसा। और
ये भ्रष्टाचार तो शुरू होता है गांव से। गरीबी रेखा पे नाम लिखवाना है, 10 एकड़ जमीन होए, ट्रैक्टर होए, 15,000 रुपए दे दो, गरीबी रेखा में नाम जुड़ जाएगा। ये हमें बात समझनी है। तो मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज तस्वीर हमारे सामने है, प्रदेश की तस्वीर। हमारा हर वर्ग में कह रहा था, हमारे कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी परेशान है, ये पुलिस वाले भी परेशान है। ये कोई संगठन बना नहीं सकते, ये कोई धरना नहीं कर सकते, ये भी परेशान है, मुझे चुपचाप कहते हैं। हर वर्ग परेशान है। हमारे संविधान, हमारे संविधान की ये जो प्रथा है, कांग्रेस आएगी, ये संविधान की प्रथा को हम समाप्त करेंगे। कोई भी संविधान हो, हम संविधान की प्रथा समाप्त करेंगे। हम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सच्चाई समझिए, ये तस्वीर अपने सामने रखिए, सच्चाई का साथ दीजिए, हम अपने मिलकर अपने हितों की रक्षा करें। आज प्रश्न कमलनाथ के भविष्य का नहीं है, आज प्रश्न मध्य प्रदेश के भविष्य का है, आज प्रश्न इन नौजवानों के भविष्य का है, आज प्रश्न आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप सब जो यहाँ हैं, आपने अपनी कमर थाम ली, तो कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, 4 महीने में मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लगाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी, कमलनाथ जी, सोनिया गांधी, सोनिया।